यमी और टेस्टी रेसिपीज के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज हम बनाएंगे मीठा दलिया। ये गेहूं का बनता है, इसे आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं या फिर घर में भी इसे मिक्सी में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए हम मीठा दलिया बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले गैस के ऊपर कुकर रखा है और अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम दलिया डालेंगे। ये बहुत हेल्दी होता है, इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या सुबह के नाश्ते के टाइम किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। इसे हम ब्राउन हो जाने तक मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसे हमें रेगुलर चलाते रहना है। आप देख रहे हैं कलर चेंज होने लगा है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये जल सकता है। हमारे दलिया का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे। पानी हमें गर्म ही लेना है। एक कप दलिए के अंदर हमें टोटल 5 कप पानी या दूध, जो चीज़ भी हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो भी, और अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो ये दूध यूज़ कर रहे हैं तो भी 5 कप दूध, पानी यूज़ कर रहे हैं तो 5 कप पानी, हमें टोटल 5 कप लेना है। अब हम पानी डालने के बाद इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। इसी बीच हम चीनी भी डाल देंगे। जब तक हमारा एक उबाल आएगा चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर गर्म दूध डालेंगे। मैंने 4 कप पानी और 1 कप दूध लिया, टोटल 5 कप लिया है। दूध हमें गर्म ही यूज़ करना है, अगर हम ठंडा यूज़ करेंगे तो दूध फट सकता है। अब इसे भी हम एक उबाल आ जाने तक पकाएंगे। एक उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सादा ही बना रही हूँ। हाई फ्लेम पर एक विसल आने तक पकाएंगे और विसल आ जाने के बाद इसे 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। उसकी स्टीम निकल जाने तक इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। स्टीम निकलने के बाद हम कुकर खोलेंगे। आप देख सकते हैं दलिया बन चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी या पतली जैसी आप रखना चाहें आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा दूध या पानी मिक्स करके इसको पतला भी कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा ये हेल्दी और टेस्टी मीठा दलिया बनकर तैयार है। इसे हम बादाम से गार्निश करेंगे। हमारा ये टेस्टी टेस्टी हेल्दी मीठा दलिया बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।